गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट को स्टार्ट कर लिया था और उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे किस तरीके से आप डिटरमाइन करते हो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। उसके लिए हम लोगों ने देखा था प्रिफ्रेंशियल डिस्चार्ज थियरी, क्योंकि जैसे ही आप एक्वस सॉल्ट बोलते हो जब तक मोल्टेन सॉल्ट होता है तब तो एक केटायन और एक एनायन होता है, लेकिन जैसे ही आपने एक्वस सॉल्ट बोला तो आपके पास बेटा केटाइन भी दो हो जाते हैं और एनायन भी दो। केटाइन का इन द सेंस बात की तो सॉल्ट का केटाइन और सॉल्ट का एनायन और साथ में वाटर का एच प्लस और ओ एच माइनस। पर कॉन्सेप्चुअली मैंने ये भी बताया था कि एच प्लस और ओ एच माइनस नहीं है, एक्चुअल में वो किसका होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वाटर का होता है ना। समझने के लिए हम लोग एच प्लस ओ एच माइनस के फॉर्म में समझते हैं। तो हम लोगों ने कल जो देखा था हम लोगों ने एक्वस सॉल्ट के लिए थे, एक्वस सॉल्ट। और एक्वस सॉल्ट जैसे ही हम कोई लेते हैं तो एक्वस सॉल्ट के केस में मैंने आपको बताया था आपको केटाइन भी दो हो जाएंगे। एक्वस सॉल्ट सीए मान लो, कोई एक्वस सॉल्ट क्या है सीए, तो जैसे ही होगा बेटा तो इसके अंदर अगर हमसे पूछा जाए तो केटाइन कितने हो जाएंगे, तो केटाइन इसका सी प्लस भी एक केटाइन है और एक्वस है तो इसीलिए हम लोग वाटर का भी केटाइन ले लेंगे, क्या एच प्लस ले लिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से अगर एनायन की बात करो तो एनायन के अंदर अगर ये सीए टाइप का सॉल्ट है एनएसीएल टाइप का तो ये केटाइन है और ए का मतलब मैंने एनायन लिया है, तो एनायन लेने का मतलब आपको ए माइनस और वाटर का कौन सा ओ एच माइनस। बेसिकली एच प्लस और ओ एच माइनस नहीं है, वाटर में वाटर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है पर एच प्लस ओ एच माइनस से समझना हमारे लिए सिंपल होता है क्योंकि रिएक्शन वाइज दोनों सेम ही होते हैं, कल दिखाया था मैंने आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो केटाइन बनते हैं और यहाँ पे दो एनायन बनते हैं। तो अब ये डिसाइड करना कि कैथोड के ऊपर किसका केटाइन किधर जाएगा, कैथोड के ऊपर, ये किधर मूव होंगे बेटा आपके कैथोड की तरफ, तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन और ये किधर मूव करेंगे एनोड की तरफ और एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो कल हमने ये देखा कि कौन सी चीज इन दोनों में से कौन जल्दी से एनायन एनोड पे जाएगा, इन दोनों में से कौन जल्दी से कैथोड पे जाएगा, ये डिसाइड करने का काम प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी से करती है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा वो जल्दी उतना जल्दी जाके डिस्पोजिट होता है, डिस्चार्ज होता है उसके ऊपर। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि हमें याद करने के लिए मैंने बताया था ट्रिक था अपने पास कि अगर कैथोड की बात करो, कैथोड की, तो कैथोड पे आप हमेशा चापा वाला मेटल को अगर छोड़ दिया जाए, चापा कैटेगरी के, चापा मतलब Cu वाला है ना, चापा Cu Hg Au Ag Pt और Au, ये इन चापा कैटेगरी के अलावा अगर अगर कोई दूसरा मेटल आएगा आपका है ना सॉल्यूशन के अंदर, कोई दूसरा केटायन आएगा इन इन सब के अलावा, तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा H2 होगा आपके लिए, हमेशा आंसर क्या आएगा H2, क्योंकि H प्लस का उस समय क्या हो जाएगा रिडक्शन, H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा और H2 प्रोडक्ट बनेगा, इनके अलावा अगर आएगा तो, ठीक है, ये देखा था हमने। और एनोड के ऊपर बात करो तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो उसमें मैंने बताया था CBI वाला ग्रुप है ना, CBI वाला कौन सा था, ये चापा वाला था, CBI मतलब या तो क्लोराइड या तो ब्रोमाइड या तो आयोडाइड, इन तीनों के अलावा कोई भी दूसरा एनायन आ जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा एनायन, इन तीनों के अलावा कोई दूसरा एनायन आएगा तो आपके लिए हमेशा आंसर में क्या आएगा O2, तब आपका आंसर हमेशा क्या आएगा O2। तो ध्यान रखिएगा अगर इन कैटेगरी का कोई केटायन आ गया इसमें का केटायन, तब तो उसी केटायन का उसके ऊपर रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर इस कैटेगरी का कोई एनायन आ गया CBI कैटेगरी का तो उस एनायन का ही उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अदरवाइज आंसर विल बी O2 या H2, ठीक है। तो ये हमने कल देख लिया था कि किस तरीके से काम करते हैं। तो हमने कल एक लिया था उसी को आज हम लोग वहीं से देखते हैं, एक्वस NaCl के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो आप केटायन एनायन तो पहचान ही लोगे किस तरीके से हो रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग आंसर को डिसाइड करेंगे अपना। चापा कैटेगरी का कोई केटायन आएगा तब तो आप उसी को उसके ऊपर रिडक्शन करवाओगे, और अगर वो चापा कैटेगरी का नहीं है तो आंसर विल बी हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल केसेज हम बाद में देखेंगे, कुछ उसमें चेंजेज हो सकता है स्पेशल केसेज में, पर जनरल रूल यही है अपने पास, चापा कैटेगरी का केटायन है तो उसको वहां पे आप रिडक्शन कराओ, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा हाइड्रोजन हो जाएगा, H2 हो जाएगा, क्योंकि H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा। और एनोड में अगर CBI कैटेगरी का एनायन है तब तो उसको ही आप वहां पे ऑक्सीडेशन कराओ, नहीं तो फिर आपका अदर जो भी आपका ऑक्सीजन गैस निकलेगा कोई दूसरे एनायन के प्रेजेंस में। तो हम लोगों ने कल जो देखा था, हम लोगों ने पहला लिया था मैंने आपको एक्वस NaCl सॉल्यूशन है ना,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अगर मैंने आपको कंसंट्रेशन नहीं लिखा है कि ये कंसंट्रेटेड है कि डायलूट है, तो मैंने रूल बताया था आपको कि अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑलवेज एज्यूम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन कैसा मान के चलना है? कंसंट्रेटेड। तो जब हम लोगों ने कल एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, तो इसको हम लोगों ने देखा था, एक हमारे पास Na+ केटायन हो रहा था, एक्वस की वजह से H+ भी आएगा, एनायन की बात करो तो बेटा Cl- और वाटर का OH-, सही है ना। तो अब देखो, अब तुरंत हम लोग, कल तो मैंने काफी डिटेल में कराया था, हम लोग तुरंत प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ये कहां पे जाने वाले हैं? कैथोड के ऊपर। कहां पे? कैथोड पे। ये कहां पे जाने वाले हैं? एनोड के ऊपर। तो अब तुरंत डिसाइड करो आप, अगर चापा कैटेगरी का केटायन है तब तो वहां पे रिडक्शन करेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो नहीं होगा। तो क्या सोडियम और हाइड्रोजन में चापा कैटेगरी में आता है? नहीं। तो इसका मतलब इसका नहीं होने वाला है। किसका होगा? H+ का। और H+ अगर होगा तो आंसर कैथोड पे क्या बनेगा? H2 गैस। H+ का अगर होगा रिडक्शन तो क्या आंसर बनेगा? H2 गैस। सिंपल है, बिल्कुल, है ना। इसमें देखो, अगर जरा CBI कैटेगरी का एनायन है क्या, तो क्लोराइड CBI कैटेगरी का है, तो यहां OH- माइनस का ना होकर किसका होगा? क्लोराइड आयन का। तो यहां पे गैस कौन सी बनेगी? Cl2 गैस। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से देख के भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो यहां H2 और Cl2। और देखो क्या क्या बचा रह गया। Na+ सॉल्यूशन से कोई चेंज नहीं हुआ है, OH- में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो चीजें बच जाती हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाती हैं। तो ये दोनों अगर कंबाइंड हो जाएंगे तो साथ में और क्या बन जाएगा आपका? NaOH। और ये मैंने बताया था एक्वस NaCl का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका मेन प्रोडक्ट हमारा NaOH ही होता है। NaOH यहां पे क्या है? इसका मेन प्रोडक्ट है कास्टनर कैलेनर सेल। बताया था मैंने इसे कि ये आपका कास्टनर कैलेनर सेल है, इसको कैस्टलर कैलेनर सेल भी बोला जाता है। उसके अंदर हम लोग NaOH बनाते हैं। तो NaOH हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, और H2 और Cl2 ये हमारे लिए क्या होते थे? साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। तो आपको देखो क्वेश्चन यही आएगा कि आपको एक्वस NaCl सॉल्यूशन दिया गया है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपका साइड प्रोडक्ट का आंसर हाइड्रोजन और क्लोरीन हो जाएगा, और मेन प्रोडक्ट का आंसर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और क्या क्या हमसे पूछेगा वो सब जानकारी मैंने दे दी थी आपको। सबसे पहली चीज अगर पूछे मुझसे कि मेन प्रोडक्ट क्या है, तो मेन प्रोडक्ट का आंसर मिल चुका है हमें, हरे लिए NaOH है मेन प्रोडक्ट। हमसे पूछे साइड प्रोडक्ट क्या है, तो साइड प्रोडक्ट का आंसर मिल चुका है। हमसे ये पूछ सकता है इसके अंदर कि व्हाट विल बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, NaCl के कंसंट्रेशन में क्या चेंज होगा। तो आप देखो NaCl का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, NaCl क्या क्लोराइड आयन पार्टिसिपेट कर गया इसके अंदर, तो इसका अगर एक एनायन पार्टिसिपेट कर गया तो इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो कंटिन्यूअसली क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो मैंने बिना रिएक्शन लिखे ही सब चीजें बता रहा हूं, है ना, बिना रिएक्शन लिखे ही हमें अब प्रेडिक्ट करना है आंसर्स को कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि बार बार उतना हम डिटेल में नहीं करेंगे। कल मैंने करवाया था डिटेल में, अब हम डायरेक्ट आंसर्स को निकालना सीख रहे हैं। NaOH अगर बन रहा है तो जाहिर सी बात है सोडियम का क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, NaOH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना, NaOH बन रहा है। अगर आप देखो क्लोराइड आयन पार्टिसिपेट कर गया ना, अगर इस सॉल्ट का कोई भी एक केटायन या एनायन पार्टिसिपेट कर जाएगा तो उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगा ही होगा, तो NaCl का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगली चीज अगर हमसे पूछे कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन, तो Na+ आयन क्या पार्टिसिपेट किया था रिएक्शन के अंदर? रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो जितना सोडियम आयन पहले था उतना ही सोडियम पूरा मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसके कंसंट्रेशन में क्या बोलेंगे हम लोग? नो चेंज। इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके से हमसे पूछ ले कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन देखो, क्लोराइड आयन क्या पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेट किया है, और जो भी चीज पार्टिसिपेट करेगी उसका कंसंट्रेशन तो कम होना ही होना है, तो यह डिक्रीज होगा, NaCl भी डिक्रीज होगा। और एक लास्ट चीज हमसे पूछ सकता है, क्या क्या हमसे पूछेगा? साइड प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, इस तरीके से किसका कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा। और लास्ट हमसे pH के बारे में पूछ सकता है कि pH बढ़ेगा कि घटेगा, ये पूछ सकता है सॉल्यूशन में। तो अगर आपका H+ और OH- पार्टिसिपेट करता है, इनमें से कोई भी एक आयन पार्टिसिपेट करता है, तो pH में चेंज होगा। अगर दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो pH में कोई चेंज नहीं होगा, या तो दोनों पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो भी पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अभी दिखाता हूं मैं उसे भी। यहां पे पीएच के बारे में बोलो तो पीएच घटेगा कि बढ़ेगा,
तो यहां पे देखो जरा, OH माइनस तो पार्टिसिपेट नहीं किया, H प्लस क्या पार्टिसिपेट कर गया, H प्लस पार्टिसिपेट कर गया मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम हो रहा है सॉल्यूशन से, H प्लस का कंसंट्रेशन कम, और H प्लस का कंसंट्रेशन कम होने का मतलब भी क्या हो गया आपका OH माइनस का कंसंट्रेशन उससे कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा, और OH माइनस ज्यादा होने का मतलब बेसिक सॉल्यूशन होगा, और बेसिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया पीएच इंक्रीजेज। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस, तो पीएच आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा पीएच इसका इंक्रीज होगा, समझे क्यों। और ऐसे भी देख लो NaOH बन रहा है तो जाहिर सी बात है बेसिक सॉल्यूशन बनेगा तो पीएच आपका बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो हमारा ये एक्वस NaCl था, आज हम लोग और भी देखने वाले हैं, जैसे अब बी की बात करूं मैं, एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। केस सेकंड में हम लोग चल रहे हैं ना, केस सेकंड क्या था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट, तो एक्वस सॉल्ट का पहला हमारा एक्वस NaCl था, सेकंड सॉल्ट हम लोग ले रहे हैं एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन। तो अब ZnSO4 सॉल्यूशन में करना यही टेक्निक्स है, देखो क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा मैंने कंसंट्रेशन नहीं बताया, तो क्या मान के चलना है कंसंट्रेटेड, डायलूट नहीं है ना, डायलूट का केवल NaCl के लिए हमें याद रखना है, वो बताया था मैंने आपको। अब एक्वस ZnSO4 की बात करो, तो एक्वस ZnSO4 में आप देखो तो आपके पास कितने कैटायन है, इसके पास इसका कैटायन क्या होगा बेटा Zn प्लस 2, और इसका एनायन क्या होगा SO4 माइनस 2, ठीक है। और एक्वस है तो H प्लस भी आएगा और OH माइनस भी आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके किधर जाएंगे कैथोड की तरफ, ये किधर जाएंगे एनोड की तरफ, ये आपका किधर मूव होगा बेटा कैथोड पे। रिएक्शन अब आप लिख सकते हो मेरे हिसाब से, एक और में मैं रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, ये कैथोड की तरफ जाएगा, ये किधर जाएगा एनोड की तरफ। अब चेक कर लो चापा कैटेगरी का कैटायन है क्या, तो क्या जिंक आप चापा कैटेगरी में आता है, नहीं, तो इसका मतलब इस कैटायन का हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, सॉरी हाइड्रोलिसिस बोल रहा हूं, इसका रिडक्शन नहीं होने वाला, तो किसका होगा एच प्लस का होगा, ठीक है। इधर देखो जरा सल्फेट और OH माइनस में, तो सल्फेट तो मैंने देखो पीछे बताया था, सल्फेट नाइट्रेट OH माइनस क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो CBI को छोड़ के कोई भी आएगा तो हमेशा किसका होगा OH माइनस का। तो अगर आपसे पूछे एनोड की रिएक्शन लिखो, तो एनोड पे आप क्या लिखोगे, एनोड पे कौन सी चीज होती है बेटा ऑक्सीडेशन, तो एनोड की रिएक्शन लिखो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है सल्फेट और OH माइनस में से, सल्फेट का तो नहीं होगा, रूल मैंने लिखवा दिया है ना उसको बस ध्यान रखो, एनोड पे पांच ही तरीके का मिलेगा सल्फेट नाइट्रेट OH माइनस क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। CBI कैटेगरी का अगर नहीं है, यहां पे CBI कैटेगरी का क्लोराइड था इसीलिए क्लोराइड का हो गया यहां पे, है ना, अगर CBI कैटेगरी के अलावा कोई दूसरा आएगा तो हमेशा OH माइनस, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करा तो ऑक्सीडेशन किसका कराओगे OH माइनस का, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन कराने का मतलब है 2OH माइनस विल गिव, अब ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब माइनस 2 से 0 में भेजना है ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कल मैंने बताया था आपको रिएक्शन। तो ये एनोड की क्या हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई, और कॉन्सेप्चुअली तो मैंने बताया H प्लस और OH माइनस नहीं होते, कॉन्सेप्चुअली क्या होता है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वाटर मतलब H2O का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। तो अगर इसको वाटर के फॉर्म में देखना है तो वो भी मैंने तरीका बताया था कि जरूरी नहीं है कि बुक में ये रिएक्शन लिखी हुई मिले, हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वो मिल जाए, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो इधर भी H प्लस जोड़ दो, क्या तरीका बताया था 2H माइनस है तो इधर भी 2H प्लस जोड़ दो, और इस साइड भी आप 2H प्लस को जोड़ दो, और जोड़ते ही आपको देखो ये वाटर के फॉर्म में रिएक्शन मिल जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 2H2O, ऐसे यहां पे कितना हो जाएगा 2OH माइनस और 2H प्लस, कितना 2H2O, और एक H2O यहां पहले से ही है, तो इधर 1H2O कर दो, 1H2O गिव्स हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो ये वाटर का हो गया, ये वाटर का क्या है बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है, वाटर का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये नोट पे ये रिएक्शन हो जाएगी, अगर आपसे कैथोड की रिएक्शन पूछे तो कैथोड पे आप क्या कराओगे रिडक्शन, और कैथोड पे रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन किसका होगा बेटा Zn का या H प्लस का, तो चापा वाला कैटेगरी का है तो नहीं होगा, किसका होगा H प्लस का ही होने वाला है, तो H प्लस का रिडक्शन कराना है, सॉरी हाँ रिडक्शन कराना है, तो 2H प्लस विल गिव्स आपको H2 गैस, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखो यहां पे इसका रिडक्शन हो गया, और कॉन्सेप्चुअली तो वाटर का होना चाहिए था रिडक्शन, तो वाटर का कराने का तरीका क्या है दोनों तरफ 2OH- इधर भी जोड़ दो और इधर भी 2OH- को जोड़ दो, और जैसे ही आप जोड़ोगे आपको देखो क्या रिएक्शन मिल जाएगी,
आपको बुक में ये रिएक्शन लिखी हुई मिल सकती है, ऊपर वाली नहीं मिलेगी। मीनिंग दोनों का एक ही होता है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस प्लस 2OH माइनस, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सीजन गैस। तो आप इस तरीके से किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हो। ध्यान रखना है बस, केटायन चापा कैटेगरी का है तो उसे भेजना है, उसका आंसर आएगा वही आंसर में बनेगा, और नहीं तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा आपका कैथोड के ऊपर। और अगर आपसे सीबीआई कैटेगरी का एनायन है तो आंसर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होगा, और अगर वो नहीं है तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन। तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि आपका आंसर क्या है, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछे कि व्हाट विल बी द एनोड प्रोडक्ट, तो एनोड प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज एपी, मतलब एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन। और अगर हमसे कैथोड प्रोडक्ट पूछा होता तो कैथोड प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाता, H2। कैथोड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, H2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या क्या पूछ सकता था हमसे, ठीक है। बस इलेक्ट्रोलिसिस में यही समझना होता है, एनोड प्रोडक्ट क्या है, कैथोडिन के अमाउंट कितने बनेंगे, ये हमारा पार्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। तो अगर हमसे नेक्स्ट चीज अगली पूछे तो व्हाट विल हैपन विद द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4, ZnSO4 के कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप यहां ध्यान से देखो, तो क्या ZnSO4 का जिंक और सल्फेट कोई पार्टिसिपेट किया है, नहीं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ZnSO4 के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगली चीज पूछ सकता है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, तो Zn+2 का भी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इसके कंसंट्रेशन में भी नो चेंज, ठीक है। जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। सल्फेट आयन की बात करें तो सल्फेट में भी क्या बोलेंगे, नो चेंज, कोई चेंज होने वाला नहीं है। व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट, तो यहां पे तो चूंकि मेन प्रोडक्ट जैसी कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि ZnSO4 जैसे डाला वैसे का वैसे ही रह गया है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस ही प्रोडक्ट की तरह काम करेंगे, ठीक। नेक्स्ट चीज हमसे पूछ सकता है पीएच के बारे में, कि पीएच क्या होगा इस सॉल्यूशन का, तो पीएच के बारे में क्या फर्क पड़ेगा बेटा। तो आप देख सकते हो पीएच में नो चेंज, पीएच में कोई चेंज होने वाला नहीं है, पीएच में कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्यों पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका H+ भी पार्टिसिपेट कर रहा है और OH- भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जितना H+ खत्म हो रहा है, देखो जैसे यहां पे जितना H+ खत्म हो रहा है उतना ही OH- भी खत्म हो रहा है ना, एनोड के ऊपर OH- खत्म हो रहा है, कैथोड पे H+ खत्म हो रहा है। तो दोनों अगर दोनों पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो पीएच में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि H+ भी आपका खत्म हो रहा है OH- भी खत्म हो रहा है, तो दोनों तो बराबर ही बने रहेंगे ना सॉल्यूशन के अंदर। कोई इनमें से एक पार्टिसिपेट कर जाता, जैसे H+ कर जाता तो H+ खत्म होता, लेकिन OH- अभी उतना ही रहता। चूंकि दोनों पार्टिसिपेट करके H+ भी खत्म हो रहा है OH- भी खत्म हो रहा है, तो अगर दोनों खत्म हो रहे हैं तो पीएच में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, है ना। और इसकी भाषा में अगर बोलना चाहो वाटर के फॉर्म में, तो ये वाटर से जितना H+ निकल रहा है एनोड के ऊपर, अगर इस रिएक्शन से देखोगे आप तो इस रिएक्शन में जितना H+ यहां पे निकल रहा है कैथोड पे उतना ही OH- भी निकल रहा है। तो ये 2H+ और 2H- सॉल्यूशन को तो न्यूट्रल ही बना के रखेंगे ना, सॉल्यूशन हमेशा क्या बन के रहेगा, न्यूट्रल, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है उसके पीएच में। तो पीएच में नो चेंज अगर दोनों आए, तो पीएच का कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है, मैं यहां बता भी दूं अगर चाहूं तो आपको। देखो नो चेंज इन पीएच की दो कंडीशन होती है, नो इसको आप स्टार बना के ध्यान ही रखिएगा, नो चेंज इन पीएच, पीएच में कब चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन पीएच दो कंडीशंस पे हो सकता है, या तो दोनों के दोनों आयन पार्टिसिपेट कर जाएं वाटर के, जैसे H+ और OH-, या तो दोनों के दोनों ही ना पार्टिसिपेट करें, ना H+ पार्टिसिपेट करे ना OH-। जैसे अगर मैं यहाँ पे CuCl2 ले लेता, CuCl2, तो बेटा कॉपर का भी होने लगता क्योंकि चापा कैटेगरी का होता, और Cl2 मतलब CBI कैटेगरी का, तो H+ और OH- उस केस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जब आपका H+ OH- या तो दोनों पार्टिसिपेट कर जाएं तो भी पीएच में चेंज नहीं होगा, या दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट ना करे, तो नो चेंज इन पीएच दो ही केस में हो सकता है, कि बोथ H+ OH- पार्टिसिपेट, ठीक है, या तो दोनों पार्टिसिपेट कर जाएं, या नन H+ और OH- पार्टिसिपेट।
पार्टिसिपेट, या तो दोनों पार्टिसिपेट करा दो, H प्लस OH माइनस दोनों को पार्टिसिपेट कराओगे तो भी कोई पीएच में चेंज नहीं होगा, या दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट ना करे, ना H प्लस ना OH माइनस, तो भी पीएच में चेंज नहीं होगा, लेकिन कोई एक पार्टिसिपेट करेगा तो पीएच में चेंज होगा ही होगा। जैसे यहां पे H प्लस पार्टिसिपेट कर गया था तो H प्लस कम हो रहा था तो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा, पीएच बढ़ेगा। अगर OH माइनस पार्टिसिपेट कर जाता तो OH माइनस खत्म होता तो H प्लस बढ़ता, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होता, मतलब पीएच डिक्रीज होता। तो यह तरीका होता है, तो नो चेंज इन पीएच के लिए या तो दोनों पार्टिसिपेट कर जाए या नन पार्टिसिपेट कर जाए। और अगर पीएच आपको बढ़ने वाला देखना है, पीएच आपको बढ़ेगा कब, तो पीएच इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज व्हेन, पीएच इंक्रीजेज व्हेन कौन पार्टिसिपेट कर जाए, पीएच कब बढ़ेगा आपका, जब आपका एच प्लस कंज्यूम होता जाए, तो इंक्रीजेज व्हेन एच प्लस रिड्यूसेज। जब H प्लस आपका रिड्यूस होगा, मतलब H प्लस आपका पार्टिसिपेट करेगा अगर कैथोड के ऊपर, जैसे यहां पे देखो कर रहा था आपका, यहां पे H प्लस क्या कैथोड पे पार्टिसिपेट कर लिया था, तो अगर कैथोड पे पार्टिसिपेट करेगा तो पीएच इंक्रीज होगा। और माइक चेक, ठीक। तो देखो पीएच डिक्रीजेज की बात करोगे अगर, तो डिक्रीज होने की कंडीशंस क्या है, पीएच डिक्रीजेज, डिक्रीज कब होगा, व्हेन पीएच कब डिक्रीज होगा, जब आपका ओएच माइनस पार्टिसिपेट कर जाएगा, मतलब ओएच माइनस ऑक्सीडाइजेज। ओएच माइनस अगर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और एच प्लस रिड्यूस, तो पीएच इंक्रीजेज मतलब एच प्लस का रिड्यूस होना, और एच प्लस रिड्यूस में कह रहा था कहां पे होता है रिड्यूस जाके बेटा आपका कैथोड पे, तो अगर कैथोड पे आपका H प्लस पार्टिसिपेट कर गया तो पीएच आपका बढ़ेगा, और OH माइनस ऑक्सीडाइजेज मतलब ये कहां पे जाता है, एनोड पे। तो ये ध्यान रखना, ये तो आप कर ही सकते हो, मैंने इतना जजमेंट दे दिया आपको, दोनों पार्टिसिपेट करेगा तो नहीं होगा, कोई एक करेगा तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वो क्वेश्चन के थ्रू देख के हम लोग कर सकते हैं। बात यह आ रही है कि एक्वस ZnSO4 का हमने जो करवाया, इसके अंदर ZnSO4 का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि सब में नो चेंज। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। ये क्या है आपका, ये जो मैंने किया है यहां पे काम, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। मैंने आपको कल ही बताया कि प्योर वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाया जा सकता। क्या रीजन है, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर एच प्लस और OH माइनस अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, और अगर हमने आयनिक इक्विलिब्रियम से पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर, कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस 10^-7 मोलर, मतलब 10^-7 मोल पर लीटर, एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपके कितने आयन है 10^-7 मोल। ये इतने कम आयन से बेटा, इतनी कम क्वांटिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर सकते। तो हमने ये भी पढ़ा होगा 9th-10th के अंदर, पढ़ाई है हमने कि प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने अगर प्योर वाटर लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, कैसा है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास करानी है तो आपको उसके अंदर कोई सॉल्ट, कोई एसिड, कोई बेस ऐसा डालना होगा ताकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाए उसके अंदर, बढ़ जाए। क्योंकि कंडक्टिविटी होती ही किसकी वजह से है, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में तो आप पढ़ते हो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, और आयंस आपके सफिशियंट अमाउंट में अगर नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली नहीं है। तो अगर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, तो प्योर वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाया जाता। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्योर वाटर का ना होके किस तरीके से करवाया जाता है, उसके अंदर कोई एसिड, बेस या सॉल्ट। तो यहां पे जैसे ही मैं ZnSO4 को वाटर के अंदर डाल देता हूं तो ZnSO4 क्या करेगा, मीडियम प्रोवाइड कर देगा केटायन और एनायन के मूवमेंट के लिए, अपने आयंस के मूवमेंट के लिए, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट हो सकेगी, और फिर आपको वाटर का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोगों ने अभी किया है, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही है, ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कभी प्योर फॉर्म में आप नहीं करवा सकते, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको हमेशा किसी एसिड या बेस या सॉल्ट को ऐड करना होगा। तो ये जो मैंने दिया है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही है, तो हम लोग इसके तुरंत नीचे हम चाहें तो सी करके लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। तो वाटर का प्योर फॉर्म में तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कोई सॉल्ट, एसिड या बेस डाला जाता है ताकि उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाए और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, कंडक्ट
हो सके। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम लोग ये लिख सकते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर। वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है। सो एसिड, बेस और सॉल्ट्स आर एडेड, आर डिजॉल्व, ऐसे लिख लो, आर डिजॉल्व इन वाटर, इन वाटर, सो दैट नंबर ऑफ आयंस, सो दैट नंबर ऑफ आयंस इन वाटर, एक बजे थे 20 मिनट और, एक 10 मिनट पहले छोड़ता हूं ना, 20 मिनट लेता हूं, डिजॉल्व इन वाटर सो दैट नंबर ऑफ आयंस इन वाटर इंक्रीजेज एंड दे प्रोवाइड मीडियम फॉर कंडक्टिविटी, फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए आपको किसी सॉल्ट को या एसिड को या बेस को ऐड करना पड़ता है ताकि वो कुछ आयंस को प्रोवाइड करा सके उस सॉल्यूशन के अंदर, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और तब उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे रिएक्शन दिख रही है, कैथोड पे दिख रही है, तो जस्ट उसको मैं लिख देता हूं अभी यहां पे डायरेक्ट। एनोड पे वाटर की रिएक्शन किस तरीके से आएगी, एनोड के ऊपर आएगा आपका H2O, अभी हमने लिखा है यहां पे H2O गिव्स हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड के ऊपर बात करोगे तो कैथोड पे क्या आएगा आपका 2, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन आएगी 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस प्लस 2OH-। ठीक है, और अगर इन दोनों को आपने जोड़ दिया बेटा, ये दोनों प्योर फॉर्म में तो नहीं हो सकते ना, उसके लिए किसी एसिड बेस या सॉल्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा, सो दैट नंबर ऑफ आयंस इन वाटर इंक्रीजेज एंड दे प्रोवाइड मीडियम फॉर कंडक्टिविटी। अगर आप इन दोनों को, आप रिएक्शंस को अगर जोड़ दो, तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3H2O, और यहां से 2H+ और 2OH- मिलकर 2H2O बनेगा, इधर 3H2O है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, इन दोनों को यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं, ये 2H2, ये 2H2O, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, H2O विल गिव्स हाफ O2 प्लस H2, तो ये O2 गैस और H2 गैस, तो यही हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है। तो हमें यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे ऑक्सीजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो अगर आपसे रिएक्शन का भी पूछ ले, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब 3 पॉइंट्स में बताऊंगा, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन, 1 मोल H2O को अगर इलेक्ट्रोलाइज कराओगे तो आपको हाफ O2 प्लस H2, ये दो गैसेज मिलने वाले हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस। सबसे पहली चीज तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज देखो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दूसरी चीज हमसे ये पूछता है कभी कभी, हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दे देता है, जैसे कुछ वाटर का अमाउंट दे देगा, बोलेगा 180 ग्राम वाटर है, बताइए कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस निकलेगा, कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसके बारे में भी हमसे पूछ सकता है। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है, इट इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, या हम बोलना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है आपका, इट इज 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये भी सेकेंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस खूब मिलते हैं कि अगर हमें एक गैस का वॉल्यूम बता दे तो दूसरे का वॉल्यूम हम लोग इस रिलेशनशिप से आसानी से निकाल सकते हैं। और थर्ड चीज की बात करें, अगर हम लोग तीसरी चीज की बात करो, अगर वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो मोल्स का भी होगा, आप चाहो तो मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो। हम देख सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। मोल्स भी देखो, हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो ऑक्सीजन के गैस के मोल्स का क्या है आपका, सीधा सीधा 2 टाइम्स है। तो मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो तो साथ साथ चलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स,
तो कभी वॉल्यूम का भी पूछ ले तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट यूज करना है। और लास्ट थर्ड चीज ये यूज करना है, हमें हमें देखने को क्या दिख रहा है। अगर मैं पूछूं 1 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कराने के लिए आपको कितने फेराडे की जरूरत पड़ती है, कितने चार्ज फेराडे की, तो देखो नेट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। मतलब 1 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं कंप्लीट रिएक्शन में। तो 1 मोल ऑफ, तो थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ना, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर, 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर 2 फेराडे। मैंने बताया था ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे का चार्ज, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो 2 फेराडे का चार्ज, 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर 2 फेराडे चार्ज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1 मोल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए हमें 2 फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस मिलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो और हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को इसके ऊपर, है ना। फिलहाल एक दो क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको इसके ऊपर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, और हम लोग डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कवर कर लिया अब, कि किस तरीके से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। चलो तो इसके ऊपर जैसे मैं ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया इनके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर करने हो हमें, जैसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड, बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेकिन मैं यहीं पे एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में थोड़ी डिफिकल्टी आती है प्रॉब्लम्स करने में। तो देखो ये आप 3 पॉइंट को ध्यान रखोगे, गोल्डन पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइज, 180 ग्राम ऑफ वाटर, हमसे बोल रहा है 180 ग्राम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है तो कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैंने आपको तरीका बता दिया है, 1 मोल के लिए कितना लगेगा, 2 फेराडे का चार्ज। तो आपको मास दिया है तो मास से क्या निकाल लो, मोल्स। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। अब आपको ये अगर बात नहीं पता होती, ये इंफॉर्मेशन नहीं पता होता, तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं था। तो कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइज 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स, मोल्स को एन से दिखाते हैं ना, तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका, मास अपॉन मोलर मास, पढ़ा है हमने मास अपॉन मोलर मास। तो ऊपर कितना मास 180, मोलर मास कितना 18, तो कितने मोल्स आ जाएंगे 10 मोल्स, कितने मोल्स हो गए 10 मोल्स हो गए। और 1 मोल कितने फेराडे लेता है, 2 फेराडे, तो 10 मोल कितने फेराडे लेंगे, तो चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें पता है 1 मोल कितना लेता है 2 फेराडे, तो 10 मोल कितने लेंगे 10 × 2 फेराडे, मतलब कितना आंसर हो जाएगा 20 फेराडे चार्ज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 20 फेराडे चार्ज। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ हमसे इलेक्ट्रॉन पूछे, तो मुझे मैंने बताया था 1 फेराडे चार्ज का मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द 1 फेराडे। तो आपको चाहे तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज लग रहा है, या आप चाहो तो इसे 20 Na, 1 मोल को Na भी तो लिखते हैं, 20 Na चार्ज भी लिख सकते हो, जिस टर्म में आपसे पूछना चाहे, 20 फेराडे, 20 Na का चार्ज, 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, ठीक है। आपको चाहे तो एक कूलाम में पूछ ले, तो 20 × 9650 कूलाम में भी निकल सकता है आपका, क्योंकि 1 फेराडे में 9650 कूलाम होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। चलो एक और करते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड ले लेते हैं, या एनोड कैथोड ले लो, चलो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इज 224 ml, तब हमसे बोल रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड एज वेल एज
एज वेल एज आइडेंटिफाई दीज गैसेस. तो वॉल्यूम ऑफ गैस कैथोड पे दे दिया है 224 ml. हमसे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस बताइए नोट पे कितना होगा. एज वेल एज आइडेंटिफाई दीज गैसेज, उन गैसेज को भी पता करिए कि वो कौन से गैस होंगे आपके लिए. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है. इलेक्ट्रोलिसिस किसका हुआ है बेटा, वाटर का. और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हमें पता है रिएक्शन क्या होने वाली है, H2O गिव्स. अब तो आप डायरेक्ट लिखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, दो बार करने की है ना. आप डायरेक्ट लिखो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन, H2O गिव्स आपका क्या देने वाला है, हाफ O2 प्लस H2. और कैथोड पे कौन जाता है, कैथोड प्रोडक्ट होता है हमें, हमारे लिए H2, तो कैथोड पे H2 जाएगा. और एनोड प्रोडक्ट कौन होता है, O2, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. एनोड पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन गैस आएगी. और कैथोड पे कौन सा जाता है, हाइड्रोजन गैस. तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट. अब हमें बोला है वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट कैथोड इज 224 ml. तो कैथोड का मतलब हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ H2 दिया है 224 ml. तो मतलब हमसे तो पहले आइडेंटिफाई दीज गैसेज, तो पहली गैस जो दी है 224 ml, दैट इज फॉर हाइड्रोजन गैस. तो आइडेंटिफिकेशन भी हो जा रहा है प्रॉब्लम के अंदर. तो वॉल्यूम ऑफ H2 हो गया 224 ml. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे निकालोगे, अगर 224 ml हाइड्रोजन का है, तो बेटा अभी मैंने बताया था, ये देखो ये 1:1/2 रेशियो, मतलब ये इसका जस्ट डबल होता है. हाइड्रोजन का मोल्स क्या है, ऑक्सीजन का डबल है. तो अगर ये हाफ मोल है, ये 1 mole है, तो ये 224 ml बनेगा, तो ये उसका आधा बना होगा. यही रिलेशन लिखा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो आप वहीं से, ये सब याद भी नहीं करना है, वहीं से कर सकते हो. हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया है 224, तो ऑक्सीजन का निकालना है तो जस्ट 2 से डिवाइड कर दो. तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो भी है उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है. तो हमारे लिए आंसर कितना आ जाएगा, 112 ml. और हमसे आंसर पूछा था कि बताइए कौन कौन सी गैस है, तो हमें पता चल गया कैथोड पे हाइड्रोजन गैस होगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस आपका होगा. तो इस तरीके से क्वेश्चंस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे भी बना के आपको दे सकता है. ठीक है, तो हम लोग बाकी तो चार्ज फ्लो कराने वाला वो सब क्वेश्चंस कुछ हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर करेंगे. ये छोटे क्वेश्चंस थे, मैंने इनको करा दिए हैं आपको, है ना. इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को. चलो, अब हम लोगों ने सीख लिया है किसी भी सॉल्ट का करना. जैसे एक मैं क्वेश्चन दे दूं, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन और हमें दे रहा है, जैसे कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर विच कैन प्रोड्यूस 160 ग्राम ऑफ O2 गैस एट एनोड. ठीक है, इसको आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, इसको ट्राई कर लेना. ठीक है, और बाकी हम लोग एनालिसिस कुछ और सॉल्ट्स के करते हैं. तो ये आप लगा सकते हो आराम से. आपको मैंने ऑक्सीजन गैस का इस बार अमाउंट दे दिया, तो वहां से क्या निकालोगे, पहले मोल्स निकाल लेना है. ठीक है, 160 ग्राम का मतलब 160/32 कर लेना है ना. तो कितना आ जाएगा मोल्स आपके लिए, मोल्स की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 moles. तो हमें दिख रहा है 1 mole से आधा मोल मिलता है, तो 5 5, ये अगर 5 moles लेंगे, मतलब ऑक्सीजन का 5 moles होना है, तो यहाँ पे 10 moles होना पड़ेगा. तो बेसिकली पहला वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा एक तरीके से देखोगे तो. अगर हमसे मास का रेशियो इसमें पूछ लेता, तो मास का रेशियो भी निकाल सकते हैं ना. जैसे अगर मान लो मास का रेशियो अगर हमसे पूछ लिया कि मास ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो मास का रेशियो भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें मोल्स का रेशियो पता है. तो मोल्स की हेल्प से हम लोग मास का रेशियो भी निकाल सकते हैं. ये एक पॉइंट उधर लिख सकते हैं आप, जो हम लोगों ने अभी वॉल्यूम और मोल्स का लिखा था ना, वहां मास का भी लिख लेना. मास ऑफ हाइड्रोजन विथ मास ऑफ ऑक्सीजन अगर पूछे, तो हमें मोल्स के रेशियो पता है. मोल्स कितना था हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का 2 mole होगा, तो ऑक्सीजन के 1 mole होंगे. तो 2 mole का मतलब इसके कितने मास हो जाएंगे, 4 gram. और ऑक्सीजन का 1 mole का मतलब 32. तो 4/32 मतलब मास का रेशियो कितना आएगा इन दोनों का, हमेशा 1:8 का रेशियो रहेगा. तो ये भी आप वहां मेंशन कर लीजिएगा, है ना. वॉल्यूम और जहां मोल्स लिखे थे, मास का रेशियो 1:8 का होता है. और ये क्वेश्चन हमें ट्राई करना है खुद से. चलो, अब कुछ मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दे रहा हूं. डिटरमाइन, हाँ चलो यही लिख लेते हैं, डिटरमाइन प्रोडक्ट एट
एनोड एंड कैथोड ऑफ फॉलोइंग, एनोड एंड कैथोड ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। कुछ दे देता हूं मैं उनके, आपको एनोड और कैथोड पे क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट निकालने हैं। जैसे सबसे पहला दे रहा हमें एक्वस, एक्वस ZnSO4 का हमने कर लिया ना, एक्वस CuSO4 दे दिया आपको अब, ठीक है, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। मैंने आपको बता दिया एक्वस वर्ड लिखा हुआ है ना, मैं दो तीन चार पांच देता हूं, आप खुद से डिटरमाइन करिएगा, एक एक दो मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। सेकंड जैसे आपको दे रहा है एक्वस, मैंने कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड या डायलूट नहीं लिखा है, तो हमेशा कैसा रहेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, वो मैंने बता दिया, अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑलवेज अज्यूम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपको एक्वस CuSO4 का बताना है कि कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट होगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट होगा। आपको नेक्स्ट अगर दे रहा है एक्वस AgNO3 का बताना है, AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड आपको दे रहा है, इन सब के इलेक्ट्रोलिसिस करवाए जा रहे हैं ना, इन सब के इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ही होगा ना, डिटरमाइन प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड ऑफ फॉलोइंग आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस लिख लो, ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कौन कौन से, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पहला आपका ये दिया है, सेकंड एक्वस AgNO3 दे रहा है, थर्ड आपका दे रहा है एक्वस ZnNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ आपके लिए दे रहा है, और पीएच पे भी चेंज को चेक करना है थोड़ा, है ना, पीएच पे भी चेंज को चेक करना। नेक्स्ट आपका दे रहा है सपोज करो एक्वस CuCl2 सॉल्यूशन, ठीक है। और फिफ्थ आपको दे रहा हूं मैं एक्वस ZnCl2 सॉल्यूशन, ZnCl2 सॉल्यूशन। और लास्ट एक दे रहा हूं मैं आपको एक्वस Na2SO4 सॉल्यूशन, और एक और चलो कर लेते हैं। अब आपको कोई भी सॉल्ट इस तरीके से बना के दे दे, मैंने आइडिया दे दिया, आप निकाल सकते हो एक्वस MgSO4 सॉल्यूशन। तो मैं इनमें से एक करके दिखा देता हूं आपको, बाकी आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो करना चाहें। चलो हम लोग पहला अगर उठा लेते हैं ना, शुरू के मैं दो करके बताता हूं, है ना, बाकी आप अटेम्प्ट खुद करिएगा। मैं फर्स्ट कर देता हूं और थर्ड कर देता हूं, है ना, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। देखो अगर जैसे ही दिया आप क्वेश्चन, तो देखो ये करने में कुछ लगाना नहीं है दिमाग, आप चाहो तो मन में भी सोच सकते हो, ओरली सोचो, मैं लिख के दिखा रहा हूं पर आप सोच सकते हो खुद ही। इसके अंदर देखो केटायन को लिख लिया करो तुरंत, इसके अंदर केटायन क्या बनेगा Cu+2, इसका एनायन और वाटर का H+ आएगा, एनायन इसमें क्या आएगा SO4-2 और वाटर से OH-, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन किस पे कौन जाएगा कैसे डिसाइड, चापा कैटेगरी का अगर मेटल आएगा तो उसी का होने वाला है, तो क्या Cu+2 और H+ में कौन जाएगा, चापा कैटेगरी मतलब Cu जाएगा, तो इस पे आंसर मिल गया, क्या आएगा कॉपर सॉलिड, खत्म हो गया आंसर। तो डेट इज आवर कैथोड प्रोडक्ट, केटाइन किस पे जाता है कैथोड प्रोडक्ट, तो ये हमारा कैथोड प्रोडक्ट डिसाइड करने का काम है, ये हमारा एनोड प्रोडक्ट, तो कैथोड प्रोडक्ट क्या हो गया कॉपर हो गया। एनोड की बात करोगे अगर, तो एनोड पे देखो बेटा मैंने बता दिया है आपको सल्फेट और नाइट्रेट तो कभी जाते नहीं है, OH- CbI है ना, उन कैटेगरी से देखना है, तो सल्फेट तो नहीं जाएगा यहां पे, तो कौन जाएगा आपका OH- जाएगा, और OH- जाएगा तो आपका कौन सा गैस बनेगा O2 गैस, तुरंत डिसाइड हो गया, है ना। तो आप ये लिख लिख के मैं कर रहा हूं, आप देख के भी सोच के कर सकते हो, चापा कैटेगरी का मेटल है तो वही जाना है, चापा कैटेगरी का नहीं है तो हमेशा हाइड्रोजन जाना है कैथोड के ऊपर, और अगर आपका CbI कैटेगरी से है तो CbI कैटेगरी से है तो वो जाने वाला है क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, और अगर आपका CbI कैटेगरी का नहीं है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा ऑक्सीजन गैस आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप सबको अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे और मैं कौन सा बता दूं, चलो ये वाला देख लो ZnCl2 के लिए बता देता हूं, आप बीच के अटेम्प्ट करना, इसमें देखो कैथोड प्रोडक्ट एनोड प्रोडक्ट डिसाइड करना है, कैथोड पे केटाइन को भेजो, केटाइन कौन सा डालोगे ZN+2 और दूसरा H+ रहेगा, एनायन कौन कौन सा डालोगे Cl- और दूसरा OH-, ठीक है। और अब देखो अब इसमें डिसाइड करो ये चापा कैटेगरी में आता है क्या, नहीं, तो ये चापा कैटेगरी में नहीं आता तो इसका ना होके किसका होगा H+ का, और H+ का होगा तो आंसर आपका क्या आएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एनायन को देखो जरा, ये CbI कैटेगरी से आता है, अगर CbI कैटेगरी का है तो उसी का होने वाला है, तब OH- नहीं होगा तो हमारा इस पे आंसर क्या बन जाएगा Cl2 गैस, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, बस ध्यान रखना कैथोड पे चापा कैटेगरी का मेटल है तब तो वही जाएगा, नहीं तो हमेशा ऑलवेज हाइड्रोजन गैस बनने वाला है, ठीक है। किसी को भी तुरंत ओरली कर सकते हैं डिसाइड हम लोग। और अगर एनायन की बात करो तो एनोड पे अगर CbI कैटेगरी का क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड से जाएगा तो वही गैस बनेगा, नहीं तो ऑलवेज ऑक्सीजन गैस।
तो ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, तो ये आप लोग अटेम्प्ट करिएगा इनको सॉल्व करना, ठीक है। पीएच के बारे में एक दो मैं अगर डिस्कस करा दूं, हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कंसंट्रेशन सीयू प्लस टू का चेंज होगा, तो हम लोग बोलेंगे यस कंसंट्रेशन सीयू प्लस टू पार्टिसिपेट किया है तो डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन की बात करो तो सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप पूछे पीएच में क्या फर्क पड़ेगा, तो पीएच भी डिसाइड करने का तरीका मैंने बता दिया था, अगर एच प्लस या ओएच माइनस कोई पार्टिसिपेट करेगा तो ही पीएच में चेंज होगा, ओएच माइनस पार्टिसिपेट किया। अब उसको भी देखो, अच्छा तरीका सोचने का क्या है, एच प्लस यहां का बचा है और यहां का एसओ फोर माइनस बचा हुआ है, तो इन दोनों को अगर कंबाइंड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके लिए, एच टू एसओ फोर, क्या बन जाएगा, एच टू एसओ फोर, और H2SO4 हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर ये एसिड की कैटेगरी का है तो जाहिर सी बात है पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी OH- माइनस अगर पार्टिसिपेट किया है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H+ से कम होगा, और H+ OH- माइनस खत्म होता जा रहा है ना, OH- माइनस खत्म होगा मतलब H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा, और H+ ज्यादा मतलब एसिडिक, और एसिडिक है तो pH आपका क्या होना है, कमी होना है कंटिन्यूअसली। इसमें भी जैसे अगर मान लो pH डिसाइड करने का काम देख लो जरा सा, इसमें क्या करोगे, क्या क्या बच गया देखो ध्यान से, एक तो ZN बच गया यहां से, यहां से क्या बच गया OH, तो आपका मिलके क्या बन जाएगा, क्या बच, क्या बन गया यहां पे, ZN OH ट्वाइस, ठीक है। और हमें पता है ZN OH ट्वाइस जो बेटा होता है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का, और अगर ये बेसिक नेचर का है तो आपका पीएच क्या करेगा, बढ़ाएगा, पीएच आपका क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक वाले पीएच को बढ़ाते हैं, एसिडिक वाले पीएच को आपको कम करते हैं। और ऐसे भी देखो H+ अगर पार्टिसिपेट किया है तो H+ का, अब ये नहीं सोच पाते तो ऐसे सोचो H+ का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, H+ का कम हो रहा है मतलब OH- का ज्यादा, OH- ज्यादा मतलब बेसिक, और बेसिक होगा तो पीएच बढ़ना ही है। तो बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से, हमारा एक्वस वाला हो चुका है, कल हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जिनमें जो सीबीआई और चापा है उसके अलावा अगर प्रोडक्ट कोई चेंज करता है तो कैसे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।